सो है देयर बॉयज एंड गर्ल्स एंड वेलकम बैक इट अगेन विद द न्यू वीडियो एंड गाइस आज फाइनली पोकेमोन जर्नीज का एपिसोड 89 आ चुका है, साथ ही साथ एपिसोड 90 का प्रीव्यू भी आ चुका है जिसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। गाइज एपिसोड 89 जो आ चुका है गाइज वो आपको पता होगा आधा ही था एंड उसका आधा गाइज एपिसोड 90 में हमें अगले फ्राइडे को देखने को मिलेगा। फिलहाल के जो आधा एपिसोड आया है पोकेमोन जर्नीज का एपिसोड 89 उसका ब्रेकडाउन पे ऊपर मेरा काम चालू है गाइज, आपको कल तक मेरे चैनल पे पोकेमोन जर्नीज का जो एपिसोड 89 है गाइज उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। तब तक मैंने सोचा जो गाइज एपिसोड 90 आया गाइज उसका प्रीव्यू जो है गाइज उसका ब्रेकडाउन किया जाए, इसलिए गाइज आज के वीडियो में हम पोकेमोन जर्नीज के एपिसोड 90 के प्रीव्यू का ब्रेकडाउन करने वाले हैं। सो गाइज सबसे पहले हम पोकेमोन जर्नीज के एपिसोड 90 का प्रीव्यू देखेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे एंड उसके बाद हम अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर देंगे। सो गाइज बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस प्रीव्यू के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिल रहा है गाइस नॉर्मल वाला ऐश एंड अल्टरनेट यूनिवर्स वाला ऐश एंड गाइस एपिसोड 89 के सीन में मतलब एपिसोड 89 जो गाइस यही से एंड हुआ था, ऐश और कोहरी इस यूनिवर्स में पहुंचते हैं एंड दूसरे वाले ऐश से मिलते हैं एंड एपिसोड 89 एंड हुआ था। एंड गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये दूसरे यूनिवर्स वाला ऐश है, उसके पास उसका पिकाचू नहीं है क्योंकि उसका पिकाचू गाइस डीफॉर्म होकर बन चुका है एक अंडा। आप देख सकते हो इस यूनिवर्स के सारे पोकेमॉन जो गाइस गायब हो चुके हैं, सिर्फ कुछ पोकेमॉन बचे हैं एंड गाइस जो गायब होकर मतलब वो पोकेमॉन गाइस डीइवॉल्व होकर सीधा अंडे में मतलब कन्वर्ट हो चुके हैं, जैसे कि ऐश का पिकाचू आप देख सकते हो दूसरे यूनिवर्सल ऐश का पिकाचू एक अंडा बन चुका है। गाइज आप देख सकते हो ये इसलिए दुखी और ये इसलिए बता रहा है क्योंकि इसलिए गाइज हमने जब इस एपिसोड का प्रीव्यू देखा था उस एपिसोड के प्रीव्यू में हमें कोई भी पोकेमॉन देखने को नहीं मिल रहा था गाइज दूसरे अल्टरनेट यूनिवर्स वाले मतलब जो अल्टरनेट यूनिवर्स वाले कैरेक्टर थे उनके पास। गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऐश का पिकाचू एंड ये गो का जो सेंडर है से गाइज ये दोनों डी इवॉल्व हो रहे हैं। आप देख सकते हो ये जो इवोल्यूशन के वक्त गाइज मतलब जो आप ये लाइट देख सकते हो उल्टी फिरते हैं एंड ये वापस से मतलब रिवर्स डायरेक्शन में घूम रही है, इसलिए डी इवॉल्व हो रहे हैं। यू कैन सी गाइज ऐश का पिकाचू पीचू बन चुका है। हाँ गाइज यहाँ पे प्रोफेसर रोवन भी है इस एपिसोड में लेकिन ये दूसरे यूनिवर्स वाले प्रोफेसर रोवन है। गाइस यहाँ पे देख सकते हो डायलगा एंड पाल्क यानी कि स्पेस वर्सेस टाइम की बैटल शुरू है एंड इनके बाजू में आप ये रेड चैन देख सकते हो गाइस जो कि हमें एक डायमंड एंड पर्ल के एक एपिसोड में देखने को मिल रही थी एंड यहाँ पे जो डायलगा एंड पाल्क के पीछे देख सकते हो कुछ आरसीएस के रिंग्स जो है गाइस कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है हमें, पता नहीं एग्जैक्टली क्या है यार, इसके बारे में मैंने बहुत ढूंढा लेकिन इसके बारे में कुछ भी मुझे एक छोटी सी डिटेल भी नहीं मिली। गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लाइगॉन है जो कि मुझे लगता है गो का है लेकिन इन्फरनेप अभी भी कंफर्म नहीं है, ऐश का ही है लेकिन मुझे लगता है ऐश का है लेकिन कुछ कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं इस इन्फरनेप के बारे में फिलहाल कुछ नहीं कह रहा। गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो गो का सिंड्रेंस है गो यानी कि गो का रैबिट है जो कि पहले सिंड्रेंस था लेकिन ये डी इवॉल्व होकर रैबिट बन गया एंड फिर से यहाँ पे डी इवॉल्व होकर ये वापस स्कॉर्पियन बन रहा है, इसका मतलब अगर ये एक और बार डी इवॉल्व होता है सीधा अंडा बन जाएगा एंड ये जो गाइज सिंड्रेंस है ये दूसरे यूनिवर्स वाला जो गो है गाइज उसका सिंड्रेंस है, उसके आप देख सकते हो गाइज बॉडी पे कवच है जिसकी वजह से डी इवॉल्व नहीं हो रहा है, ये उसका जो मतलब सिंड्रेंस ही रहेगा डी इवॉल्व नहीं होगा क्योंकि उसने कवच पहना है। गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो ये दूसरे यूनिवर्स वाला गो है, ये दूसरे यूनिवर्स वाली कुहारु है जिनके आज गाइज आप ये बॉडी पे देख सकते हो अलग सा गाइज कुछ सूट देखने को मिल रहा है एंड ऊपर एक एरोडैक्टाइल था गाइज ये दूसरे वाले गो का जिसने एक कवच पहना था लेकिन वो कवच आप देख सकते हो यहाँ पे टूट गया इसलिए वो वापस से अंडा बन चुका है, वो एरोडैक्टाइल अंडा बन गया एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी शायद से डी इवॉल्व हो रहा है। गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो सब के सब डी इवॉल्व बन गए, सिर्फ हाँ नहीं सब बन गए यार, यहाँ पे आप देख सकते हो टोटली सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब गए चार कैरेक्टर के दो अलग अलग वेरियंट यानी कि 8 कैरेक्टर सारे के सारे छोटे बन चुके हैं। यहाँ पे आप डायलगा और पालका देख सकते हो जिनके बाजू में वो रेड चेन है एंड अभी भी इनकी बैटल स्टार्ट ही है। सो गाइस अब आगे देखते हैं क्या होता है यार, ये इनकी बैटल मतलब यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है यार सुमो फाइट चल रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो रेड कलर की रिंग और यहाँ पे डायलगा वर्सेस पालकी के बीच में कि सुमो फाइट हो रही है यहाँ पे। तो गाइस इसी के साथ जो मेन प्रीव्यू था वो एंड हो गया लेकिन अभी भी एंड क्रेडिट सीन बाकी है जो हम अभी देखेंगे। तो गाइस अभी आप जो देख रहे हो गाइस इस प्रीव्यू का एंड क्रेडिट सीन है। ओ गाइस इस एपिसोड में ऐश का गेंगर भी है।
यू कैन सी गाइस ये ऐश और ये उसका पिकाचू, इसका मतलब जो गाइस डीएवॉल्व होने के पहले का सीन है। यहाँ पे आप दूसरे यूनिवर्स का ऐश भी देख सकते हो जिसके पास सिर्फ उसका एक अंडा है पिकाचू वाला। यहाँ पे गेंगार है और यहाँ पे ड्रैगन है जो कि हग कर रहा है। यार मतलब देखो वो पूरा का पूरा उसकी पीठ पे बैठ चुका है फिर भी ऐश उसे लेकर खड़ा है। शायद से वो हवा में उड़ रहा होगा, ज्यादा वजन उसने ऐश पे नहीं डाला होगा वरना ऐश अब तक जमीन में घुस जाता। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरी यूनिवर्स वाले डॉन, ये जब वो मतलब छोटे होने के बाद प्रे कर रहे हैं यार अभी हमें। अरे सच में यार अगर आप सोचो ये छोटे हो चुके हैं और अगर टाइम और भी रिवर्स गया ये तो सीधा गायब हो जाएंगे, शायद इसलिए प्रे कर रहे होंगे कि हमें बचा लो भगवान, हम मरना नहीं चाहते। यहाँ पे सेम कोहारू वैसे ही प्रे कर रही है। सो गाइस इसी के साथ प्रीव्यू होता है एंड। सो गाइस प्रीव्यू के अंदर इतना ही था गाइस, लेकिन अभी भी इसकी एक्सप्लेनेशन बाकी जो कि मैं आगे करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ गाइस इस वीडियो में मैं ये नहीं बताऊंगा कि इस एपिसोड में एग्जैक्टली क्या क्या होने वाला है, क्योंकि गाइस कल जो मेरी वीडियो वाली आने वाली है जिसके अंदर मैं पोकेमॉन जर्नीस का एपिसोड 89 आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, साथ ही साथ गाइस उसमें ये भी बताऊंगा कि एपिसोड 90 में क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि एपिसोड 90 के प्रेडिक्शंस भी देने वाला हूं। सो गाइस कल की वीडियो जरूर देखना। सो बॉयज एंड गर्ल्स चलिए फिलहाल पोकेमॉन जर्नीस के एपिसोड 90 के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करते हैं। तो गाइस प्रीव्यू के स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले ये वाला सीन देखा जिसके अंदर थे गाइस ऐश कोहारू एंड अल्टरनेट ऐश, जहाँ पे अल्टरनेट ऐश बताता है कि कैसे मेरा पिकाचू एक अंडा बन गया और हमारे सारे के सारे जो इनके सारे के सारे यूनिवर्स के जो पोकेमॉन है डीवॉल्व होकर अंडे बन गए और कुछ पोकेमॉन अभी भी उनके फर्स्ट स्टेज में है और वो भी कुछ देर में अंडे बन जाएंगे। उसके बाद वाले हमने सीन में देखा एक बैटल सीन था जिसमें ऐश और गो जो है हमके उसके पोकेमॉन को यूज करते हैं, उनके पोकेमॉन को जो कि थे पिकाचू एंड सिंड्रेंस, एंड हम देखते हैं कि उनके बाजू में एक ऐसी लाइट आती है जैसे इवोल्यूशन के वक्त लाइट आती है वैसी लाइट आती है, लेकिन ये लाइट उल्टी घूमती है और उन दोनों के पोकेमॉन डीवॉल्व होकर बन जाते हैं रैबिट एंड पिचू। एंड गाइस उसके बाद वाले सीन में हमने देखा गाइस प्रोफेसर रोवन को जिनको हमने एपिसोड 89 में भी देखा था, एंड गाइस फिलहाल ये यही ढूंढ रहे हैं कि क्यों मतलब ये किसके वजह से हो रहा है एंड ये सब क्यों हो रहा है, यानी कि डायलगार पालकिया ये सब क्यों कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा डायलगार पालकिया का सीन जो कि अभी भी उस रेड जो रेड चेन उसके अंदर लड़ रहे हैं, एंड उनके पास आरसीएस की प्लेट्स मुझे दिख रही है यार, पता नहीं है इनके पास कैसी है लेकिन दिख रही है। उसके बाद वाले सीन में हमने देखा गाइस गो कोहारू मतलब उनके दूसरे वेरिएंट्स को एंड उनके पोकेमॉन्स को गो के हमने एरोडैक्टाइल एंड सेंड्रेस को देखा जिनके पास सेम वैसा ही सूट था जैसा म्याउथ एंड वॉबोफेट के साथ वॉबोफेट के पास था, एंड गो एंड जो कोहर है उनके पास वैसा ही सूट था गाइस जैसा कि टीम रॉकेट के पास था। एंड गाइस बेसिकली इस सूट का यूज है कि जो टाइम जो मतलब जो डायलगन पालकिया की वजह से जो टाइम रिवर जा रहे हैं जिनकी वजह से वो आदमी मतलब सारे के सारे जो ह्यूमंस है वो वापस डी फॉर्म हो रहे हैं एंड सारे के सारे पोकेमॉन डीवॉल्व हो रहे हैं उनसे बचा के रखता है ये सूट, उन्हें प्रोटेक्ट करता है। जैसा कि हमने देखा गया सारे के सारे पोकेमॉन डीवॉल्व हो गए लेकिन सिंड्रेस एंड एरोडैक्टाइल जिनके पास वो सूट था गाइस वो डीवॉल्व नहीं हुए, लेकिन जैसे ही सिंड्रेस का और वो एरोडैक्टाइल का सूट टूट गया एरोडैक्टाइल वापस से अंडा बन गया, एंड जो सिंड्रेस था गाइस वो वापस से डीवॉल्व होके बन गया रैबिट। एंड ऐसा कुछ हुआ था गाइस कोहारू एंड गो के साथ, जैसे ही उनका सूट टूट गया गाइस वैसे ही कोहारू भी छोटी बन गई एंड गो भी छोटा बन गया, बाकी किसी के पास सूट नहीं था इसलिए वो भी छोटे बन गए। सो गाइज अब हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि ये टाइम से प्रोटेक्ट करने वाला सूट आखिरकार बना है किसने, इसके बारे में मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको पता होगा तो आप कमेंट में आप दो ओपिनियन कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। एंड गाइज बात करें आज की वीडियो की, तो गाइज आज की वीडियो इतना ही था, कल मेरी जो वीडियो आने वाली गाइज एपिसोड 90 के एक्सप्लेनेशन की एंड एपिसोड 90 के प्रोडक्शंस की वो जरूर से देखना। एंड गाइज अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद नहीं होगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना पोकेमॉन जर्नीज के ऐसे ही अपडेट जानने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।